और देखते ही देखते बारह दिन हो गए खत्म और हमारा महाराष्ट्र का टूर हो गया समाप्त बहुत जल्दी टाइम बीता जी हैश टैग रोड ट्रिपिन विद रॉकी एंड वी एटीन सीजन टू बाय महाराष्ट्र टूरिज्म इतना जल्दी गया कि पता नहीं चला कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया और अब सबसे पहला थैंक्स आप सबको व्यूअर्स थैंक यू सो मच जब तक आप ये शो देखते रहेंगे मुझे प्यार भेजते रहेंगे अपने कमेंट्स देते रहेंगे लाइक्स देते रहेंगे तब तक मैं आपको ऑल इंडिया ट्रैवल करके ऐसे शोज लाता रहूंगा महाराष्ट्र टूरिज्म थैंक यू वेरी मच बिग थैंक यू टू यू आपकी दूरदर्शी आपका जो हार्ड वर्क है महाराष्ट्र में जरूर रंग ला रहा है और लाता रहेगा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र टूरिज्म इज गोइंग टू बी बिग ऑल ओवर द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मेरा दावा है और मैं पक्का बता सकता हूँ आपको तीसरा थैंक यू हिस्ट्री टी वी एटीन थैंक यू वेरी मच बहुत मज़ा आया मुझे ट्रैवल करके और चौथा थैंक्स मेरे अपने लिए थैंक <laughs> यू यार थैंक यू गिव मी फाइव यू <laughs> <सीधा थे। laughs> थैंक यू। तो मजा बहुत आया, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे मजा आया मिलके महाराष्ट्र के रंगीन प्लेजेंट फन लविंग एंटरटेनिंग लोगों से सबसे पहला जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है स्वर्णताई अलीबाग में कस्तूरी पे अ ब्यूटीफुल लेडी इतनी जेंटल इतनी हार्ड वर्किंग इतने प्यार से उन्होंने खाना बनाया इतने प्यार से उन्होंने अपना रेस्टोरेंट सजाया बिल्कुल घर जैसा अलीबाग जाए तो उनसे जरूर मिलिए और दूसरे व्यक्ति जो है जिनको मिल मुझे बहुत मजा आया वो है शिंडे साहब कास पठार पे बहुत ज्ञानी आदमी है बहुत कुछ लिखा उन्होंने कास पठार के फूलों के बारे में लेकिन उनसे एक सवाल अगर आप पूछ लें तो उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि एक आध हफ़्ता तो निकाल ही देंगे आपको जवाब देने में सबसे ज़्यादा मजा आया जब उन्होंने गाना गा के मुझे सुनाया तुझे सरकार। रियल आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएं, महाराष्ट्र में कहीं भी चले भी जाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए प्यार इज्जत और सम्मान आपको सारे इंडिया में सारे महाराष्ट्र में मिल जाएगा और ये शायद प्रतापगढ़ जब आप जाएंगे आपको सबसे ज्यादा दिखेगा आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों के दिल में लोगों की धड़कन में और इतना प्यार करते हैं उनको लोग आज भी वो जिंदा है महाराष्ट्र में कई लोग जो आते हैं तो मुंबई पे उतरते हैं और अगर आप मुंबई पहुंचे तो एलिफेंटा केव्स की जर्नी जरूर लें मैं आपको ले गया था एलिफेंटा केव्स दिखाने के लिए लेकिन वहां जाकर जितना प्रभावित मैं हुआ केव्स की खूबसूरती से केव्स की एंशंट अप्रोच से ब्यूटी से उतना शायद और कोई नहीं होगा एटलीस्ट दिस मंथ तो एलिफेंटा जरूर जाए नोट कर लीजिए पक्का जो रोरो बोच था एम टू एम ये मुझे बहुत मजा आया एक तो तीन घंटे की जर्नी सिर्फ एक घंटे मुंबई से, से मांडवा डेट में चालीस हजार लोग वीकेंड्स पे कई बार एक लाख लोग पहुंच रहे हैं तो ये है एक्सपेंशन टूरिज्म की ऑल थैंक्स टू रोरो पार्टी इट इज और देखिए जी मैं जब कोई भी बात करता हूं तो खाने की बात ज्यादा दूर नहीं है मटन उकड़ यानी कि वो रेसिपी मटन की महाराष्ट्र की जिसे खाया भी जाता है लेकिन पिया जाता है वाटी से यानी कटोरी से दूसरे नंबर पर जो मैंने नई चीज़ टेस्ट करी वो थी ठेचा प्रॉन्स मराठा सम्राट के पुणे में क्या फ्लेवर था आई कैन टेस्ट इट इवन नाउ मेरे को याद तो बहुत आएगी आपकी और घूमने फिरने में लोगों से मिलने में खाने में पीने में खूबसूरत चीज़ें देखने में इससे ज़्यादा जिंदगी में क्या चाहिए किसी को तो आई एम वेरी लकी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को ये जॉब मिली है और इस जॉब को मैं बड़े प्यार से करता हूँ तो थैंक यू अगेन आप सबको देखने के लिए देखते रहिए कमेंट भेजेगा जरूर और बहुत ही जल्द होपफुली सीजन थ्री हैश टैग रोड ट्रिपर में रॉकी एंडी एटीन आ रहा है जल्द आपके स्क्रीन पे लेकिन उससे पहले मैं बस एक ही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ यारों को नमस्कार दोस्तों को सलाम सबको सत सच्रीकाल हेलो रॉकी मेरा नाम और भाई देवे बेस्ट बड़ा पाव जो है ना मुंबई में वो है कीर्ति कॉलेज बड़ा पाव बस हो गया हो गया खत्म बात खत्म